राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर हमीरपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त संदीप कदम ने शिरकत की। इस अवसर पर प्रेस के लिए चुनौतियां विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर DPRO हमीरपुर विनय शर्मा भी मौजूद रहे। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि उपायुक्त संदीप कदम ने कहा कि प्रेस के सामने आज पेश आ रही चुनौतियों के बीच प्रेस को भी अपनी सहभागिता सही ढंग से निभानी चाहिए, साथ ही अपने दायित्व को निभाने के लिए प्रेस दिवस पर संकल्प लेना चाहिए, जिसमें हमीरपुर प्रेस के सभी सदस्यों ने जो विविध वर्तमान पत्र है, पत्रिकाएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उन सभी से सदस्यों ने आके अपनी सहभागिता दी और प्रेस के सामने या मीडिया के सामने आज जो चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस में एक बड़ी डिटेल चर्चा यहां पर करी गई और जिसमें कई सारे जो अंश है मीडिया के चैलेंज के जो कई सारे एंगल्स हैं, अंग है, उनको उजागर किया गया और उनको हम किस तरीके से, किस सक्षमता से हम फेस कर सकते हैं, उसके बारे में भी इस परिचर्चा में विचार रखे गए। मैं सभी पत्रकारों को, सभी मीडिया कर्मियों को प्रेस दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वहीं DPRO हमीरपुर विनय शर्मा ने सभी को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बधाई दी और पत्रकारिता विषय पर अपने विचार रखे। और तथ्यों पर आधारित जो समाचार है, पत्रकारिता है, वह उसकी विश्वसनीयता को बनाए रखना ही हमारी जिम्मेदारी रहेगी और हम ऐसा संकल्प लेते हैं और ऐसा हम भरोसा दिलाते हैं कि हम सब लोग मिलकर जो पत्रकारिता का एक स्वरूप है, जो मिशन है, उसको तमाम चुनौतियों के बावजूद भी बरकरार रखेंगे, ऐसी ही हमारी परिकल्पना है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सुशील शर्मा ने बताया कि आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पत्रकारों ने प्रेस के लिए चुनौतियां विषय पर अपने अपने विचार रखे। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस आज यहाँ पे मनाया गया, जिसमें बहुत से पत्रकारों ने यहाँ पे अपने विचार रखे। जो मीडिया के सामने चुनौतियों एक विषय दिया गया था, उसके ऊपर सभी पत्रकारों ने खुल के अपने विचार रखे और मैं समझता हूँ कि जो सकारात्मक जो विचार और जो लोगों के सामने आए हैं वो काफी महत्वपूर्ण थे और इस तरह की जो संगोष्ठी है उससे हम लोगों को विचारों के आदान प्रदान से कई बातें सामने निकल के आती हैं और जो हमारी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का किस तरह से सामना किया जाए, उन सभी जो प्रमुख पत्रकार थे या कोई और पत्रकार थे उन लोगों ने और माननीय उपायुक्त हमीरपुर ने उनके ऊपर बहुत अच्छी तरह से रोशनी डाली, जिससे कि जो पत्रकार हैं वो जो नए पत्रकार हैं उनको भी काफी अच्छे तरीके से मार्गदर्शन देखने को मिला। वहीं रणवीर ठाकुर ने सभी को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बधाई दी और कहा कि पत्रकार समाज निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर सभी पत्रकार को बधाई देता हूँ। आज बड़ा खुशी का दिन है और हम सभी स्थान पर एकत्रित हुए हैं। हमारा जो ये प्रेस दिवस है बड़े हम धूमधाम से मनाते हैं। सभी पत्रकारों को खुशी होनी चाहिए और समाज में सुंदर निर्माण करने के लिए पत्रकारों का बहुत योगदान है। मैं हमीरपुर जिला के सभी पत्रकारों को दिनेश कंवर ने बताया कि आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में हर मोड़ पर चुनौतियां आती हैं और इन्हीं चुनौतियों के साथ एक पत्रकार अपना काम करता है। पत्रकारिता दिवस पर मैं अपने सभी पत्रकार भाइयों को, चाहे वो मीडिया प्रिंट मीडिया से हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज का जो विषय था पत्रकारिता के समक्ष चुनौतियाँ, वो एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमने चुनौतियों को उसी दिन अपने साथ जोड़ लिया था जिस दिन हमने पत्रकारिता का क्षेत्र चुना था, तो इस चुनौतियों के साथ ही हमें आगे काम करना है। पंकज भारती ने बताया कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता में चुनौतियों के विषय पर सभी पत्रकारों ने अपने अपने विचार आज रखे।
बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमीरपुर में एक संगोष्ठी जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें जिला भर से आए हुए सभी पत्रकार मित्रों ने भाग लिया, अपने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। आज का दिवस पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष महत्व रखता है और इस दिवस के अवसर पर जो पत्रकारों का एक दिखती है वो निस्संदेह प्रशंसनीय है। जिला प्रशासन का, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का, हम पत्रकार इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए आभार प्रकट करते हैं। प्रेस दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रिंट मीडिया से वरिष्ठ पत्रकार विक्रम डटवाल, अनिरुद्ध शर्मा, दिनेश कंवर, पंकज भारती, रणवीर ठाकुर, मस्तराम, संजय शर्मा, सुशील शर्मा, रविंदर सिंह, अशोक कटोच, प्रवीण कुमार, रजनीश विशाल, राजीव, अश्विनी वालिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अरविंदर सिंह, जसवीर कुमार, अश्विनी चौधरी, सुमित कुमार, छायाकार राजकुमार मोहिंदर के अलावा सभी अखबारों के सदस्य मौजूद रहे।